नमस्कार सबने देखने आ रहेगी भारत के 70वें गणतंत्र दिवस दिया मतिया मतिया मुबारक। मैं सरबजीत कौर तो सब पहले पेश ने खास खास खबर। राष्ट्रवाद मना करता है 70वां गणतंत्र दिवस नवी दिल्ली च राजपथ पर शानदार परेड का आयोजन। भारत की सैन्य शक्ति ते सांस्कृतिक विरासत का किया गया प्रदर्शन। जम्मू च राज्यपाल होरें फिराया तिरंगा। शानदार परेड की लैती सलामी। रियासत के नरसिंह देव जम्वाल फयाज जान ते सेरिंग नारबू होरें की पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा। पांपोर कश्मीर च सुरक्षा बलें कन्ने टाकरे च मारे गए दो आतंकवादी कुसे बड़ी वारदात की बना रहे हैं योजना। खास खास खबर तो खबर तफसील कन्ने राष्ट्रवाद अपना 70वां गणतंत्र दिवस मना करता है। 26 जनवरी 1950 की साड़ा संविधान लागू होने कन्ने भारत एक गणतंत्र के रूप च सामने आया। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजपथ नवी दिल्ली च मनाया गया। रियासत कई थाने तिरंगा झंडा चढ़िया ते परेड का आयोजन हुआ। जम्मू च मुख्य समारोह यूनिवर्सिटी मैदान च हुआ जिथे राज्यपाल ने राष्ट्रीय तिरंगा चाढ़िया। पेश है इस समारोह बारे एक खास रिपोर्ट। राष्ट्र अज अपना 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अज्जे दे दिन 1950 च भारत का संविधान लागू हुआ ते उहदे बाद हर वर इस दिन की गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देश की राजधानी नवी दिल्ली च राजपथ उपर मुख समारोह हुआ जिथे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें तिरंगा झंडा फहराया ते शानदार परेड का मुआयना किया ते सलामी लैती। परेड च देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री दे लांस नायक नज़ीर अहमद वानी होरें गी मरणोपरांत अशोक चक्र कन्ने सम्मानित किया गया। बख-बख राज्यें ते विभागें मंत्रालयें दीयां झांकियां ते विद्यार्थियों दे सांस्कृतिक प्रदर्शन होए। दक्षिणी अफ्रीका दे राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और समारोह च मुख अतिथि हे। रियासत की सियालें की राजधानी जम्मू च राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया ते परेड का मुआयना किया। राज्यपाल होरें 70वें गणतंत्र दिवस उपर जम्मू कश्मीर के लोगों की बधाई ते शुभकामना दिती। उन्हें आखिया जे असेंगी बराबरी स्वतंत्रता ते न्याय की गारंटी देने वाले संविधान लई अस स्वतंत्रता सेनानियों ते होरने की अज चेता करने आ। राज्यपाल होरें आखिया जे अज्जै दे खास दिन उपर ओह सशस्त्र बलें ते जम्मू कश्मीर पुलिस दे जवानें गी देश दी एकता ते अखंडता लई लगातार बिना थक्के दे काम करने आस्तै मुबारकबाद दिंदे न ते उंदे धन्नवादी न। आज भारत अगर सबसे ज्यादा फक्र किसी चीज पे करता है या कर सकता है तो भारत की सेनाएं, उसके सशस्त्र बल और उसके पुलिस के दस्ते हैं। इस खास दिन पर मैं अपने सशस्त्र बलों को बधाई देता हूं। हमारा पड़ोसी मुल्क लगातार इस राज्य की शांति और सद्भावना को बाधित करने के लिए आतंकवादियों की मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों की घुसपैठ करने की कोशिश बार बार होती रहती है। बार बार हो रहे युद्ध विराम उल्लंघनों ने सीमावर्ती लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। सरकार इन लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना और शासन व्यवस्था में सुधार करना प्रशासन की प्राथमिकता रही है। हाल ही में जिस तरह लोगों ने पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लिया वो शांति और विकास के प्रति लोगों के यकीन को दर्शाता है। कड़ी चुनौतियों के बावजूद ये चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। चुनाव में बढ़ चढ़ कर भागीदारी के लिए मैं लोगों का शुक्रगुजार हूं। पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव के शांतिपूर्वक संपन्न होने के लिए मैं पूरे सिविल और पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं। विकास के अवरोध को दूर करने के लिए उद्देश्य राज्य के लिए बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज जेरे तकमील है। इस पैकेज में राज्य भर के विभिन्न दुश्वार क्षेत्रों में भारत सरकार का सहयोग शामिल है। ये राज्य की शांति समृद्धि और विकास को सुनिश्चित करेगा।
कठुआ में 1210 मीटर कीडिया गंडियाल पुल का निर्माण अंतरराज्यीय सड़क संपर्क के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। जम्मू और श्रीनगर रिंग रोड बनाने के लिए जमीन नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सौंप दी गई है। इन परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि सरकार ने पंजाब सरकार के साथ मिलकर 40 साल से अटकी हुई शाहपुर कंडी बांध परियोजना को बनाने के एमओयू पर दस्तखत किए हैं। इस योजना के पूरा होने से सांबा और कठुआ जिले के 32,000 हेक्टर से ज़्यादा जमीन की सिंचाई होगी और रियासत को इस परियोजना से 20% बिजली मिलेगी। रचनात्मक और राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में युवाओं की ऊर्जा का उचित प्रयोग करने के लिए युवा सेवा और खेल विभाग ने राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है। एमए स्टेडियम जम्मू को 42,17,00,000 रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अपग्रेड किया जा रहा है। अप्रैल 2019 तक ये पूरा हो जाएगा। अब ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी कर सकता है। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर को भी 44,00,000,000 रुपए की लागत से फीफा के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है और ये 2019 तक पूरा हो जाएगा। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों की मेजबानी कर सकेगा। राज्यपाल होरें सेना अर्धसैनिक बलें पुलिस एनसीसी ते विद्यार्थियों दे दस्तें दे मार्च पास्ट दी सलामी लैती से अंतरित किया गया वर्तमान में और इसके ठीक पीछे फर्स्ट चमन कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का यह दस्ता लाइट इन्फेंट्री दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि तालियों से कश्मीर पुलिस महिलाओं की टुकड़ी जिसका नेतृत्व करने इस दस्ते को लीड कर रहे हैं डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जावेद नाज चौधरी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जिसकी कमान बखूबी संभाले हैं डिविजनल फायर ऑफिसर डेविड जंगपो का आदेश दिया सीनियर अंडर ऑफिसरों की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई और ठीक इसी के पीछे अगला दस्ता जो सलामी मंच की ओर अग्रसर है वीर सिपाही की विशेष ब्रास बैंड कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सुबेदार मोहम्मद शफी अली को हर वर्ष की तरह आज भी जेएनके पुलिस अपने बैंड द्वारा बरकरार रख रही है रखने वाली और दुश्मन के किसी भी इलाके को 250 किलोमीटर तक बर्बाद कर सकती है। इसके ठीक पीछे धीरे धीरे सलामी मंच की तरफ बढ़ती हुई तुमने खिते जी इस बारी इलेक्शन हुई है ना भाई मजा आई गया ओ भाई इस बारी इलेक्शन चिड़ी भी पर नहीं मर सकी रूरल सैनिटेशन जम्मू कश्मीर स्वच्छ भारत चित्रकारी की राधा चलना होगा गांधी जी का सपना पूरा करना होगा जम्मू और कश्मीर को स्वर्ग बनाना होगा हम सभी को स्वच्छता के प्रति अपने दिल से शपथ लेनी चाहिए कि हम स्वच्छता के प्रति सहज रहेंगे बीमार न रहेगा लाचार बीमारी मगरा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कीते गए बड़ी मती गिनतरी च जम्मू वासी उत्साह कन्नै गणतंत्र समारोह दिखन आए तलवार
परा उगी जम्मू आंदी गल सना सारे रौंदे बनिए परा उगी जम्मू आंदी गल सना आ सजना उगी जम्मू आंदी गल सना दोष वाला राग दिल भरो सांबा जिले च जिला विकास कमिश्नर सुषमा चौहान होरें तिरंगा झंडा चाढ़िया ते परेड की सलामी लैती। जिला विकास कमिश्नर होरें जिले की विकास गतिविधियों की अपने भाषण च उजागर की। आज मैं उन सभी महान लोगों को याद करते हुए बहुत ही सम्मान के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। स्कूलों के बच्चे इस मौके पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कठुआ जिले च गणतंत्र दिवस का मुख समारोह खेड स्टेडियम कठुआ च होया, जिथे जिला विकास कमिश्नर रोहित खजूरिया होरें राष्ट्रीय झंडा चाढ़िया ते परेड की सलामी लैती। मगरा स्कूलें ते कॉलेजें दे विद्यार्थियें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कीते। बड़ी मती गिनतरी च लोक समारोह गी दिखन आए दे हे। रजौरी च जिला विकास कमिश्नर मुहम्मद एजाज असद होरें तिरंगा झंडा चाढ़िया ते परेड का मुआयना किया। अपने भाषण च जिला विकास कमिश्नर होरें सरकार दे कल्याणकारी कार्यक्रमें ते जिले दी उपलब्धियों बारे दस्या। परेड च पुलिस ते विद्यार्थियों दे दस्ते शानदार मार्च पास्ट किया। पुंछ च गणतंत्र दिवस समारोह च जिला विकास कमिश्नर राहुल यादव होरें तिरंगा झंडा चाढ़िया ते शानदार परेड की सलामी लैती। Thank you.
इस मौके पर बोलते हुए उन्हें लोगों की शांति ते भाईचारा बनाई रखने की अपील की ते जिले च तोड़ चाड़े जा रहे विकास कामें बारे दस्या। और कर्नाटक की सूरत में 24,200,000,000 रुपए के हाथ में उधमपुर च गणतंत्र दिवस का मुख समारोह गौरमेंट डिग्री कॉलेज च होया जिथे जिला विकास कमिश्नर रविंदर कुमार होरें तिरंगा फहराया ते परेड का निरीक्षण किया। अपने भाषण च उन्हें सरकार की कल्याणकारी स्कीमें ते विकास कम्में बारे दस्या। मगरा उन्हें परेड की सलामी लैती जिहदे च सुरक्षा बल पुलिस ते विद्यार्थियों के दस्ते शानदार मार्च पास्ट किया। ऑफिस उधमपुर का ये एसएससी बल इलेक्शन की थीम पर ये स्क्वाड ये आप सभी को बता रहे हैं कि कौन कौन सी हम मशीन इक्विपमेंट जोरदार तालियां के लिए मशीन और इक्विपमेंट जाएगा उसी का ये आज दृश्य आप सभी हाई सेकेंडरी स्कूल उधमपुर सिविल स्क्वाड शिपक सुमरी और पल्लवी शर्मा द्वारा समारोह के अखीर च रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इयां गै रियासी च आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह च जिला विकास कमिश्नर सागर दत्तात्रेय होरें राष्ट्रीय झंडा चाढ़िया ते परेड दा मुआयना कीता। अपने भाषण च उन्हें जिले च जारी विकास योजनाएं ते स्वच्छता अभियानें गी भी उजागर कीता। मगरा उन्हें परेड दी सलामी लैती। विद्यार्थियों समारोह च शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। डोडा च गणतंत्र दिवस समारोह च जिला विकास कमिश्नर अंशुल गर्ग होरें तिरंगा झंडा चाढ़िया ते परेड की सलामी लैती। मगरा अपने भाषण च उन्हें जिले के दूर दरेडे इलाकें च विकास के कम्में ते तोड़ चाढ़ी जा रही स्कीमें बारे दस्या। विद्यार्थियों के रंगारंग कार्यक्रमें गी लोकें बड़ा मता पसंद किया। किश्तवाड़ च जिला विकास कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा होरें राष्ट्रीय झंडा चाढ़िया ते परेड का मुआयना किया। अपने भाषण च उन्हें किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाके च लागू कल्याणकारी स्कीमें पर लाओ पाई। मगरा उन्हें पुलिस सुरक्षा बल ते विद्यार्थियों के दस्ते के मार्च पास की सलामी लैती। रामबन जिले च गणतंत्र दिवस का मुख समारोह जिला सदर मुकाम थार होया जिथे जिला विकास कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट होरें राशि झंडा चाढ़िया ते फिर परेड का मुआयना करने मगरा सलामी लैती। उन्हें इस मौके पर अपने संबोधन च जिले च जारी विकास योजनाएं बारे दस्या। बड़ी मती गिनतरी च समारोह दिखने आए लोकें बच्चें के सांस्कृतिक कार्यक्रमें गी बड़ा पसंद किया। I'm gonna move on.
श्रीनगर च बख्शी स्टेडियम च गणतंत्र दिवस उपर मुख समारोह हुआ, जित्थे राज्यपाल हुंदे सलाहकार खुर्शीद अहमद गनेई होरें राश्ट्री झंडा चाढ़िया ते परेड की सलामी लैती। इस मौके उपर विद्यार्थियें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश कीते। सलाहकार होरें अपने भाषण च सरकार आसिया पिछले एक बरे च रियासता च ते खास करियै कश्मीर प्रांता च विकास ते शांति की बहाली लई कीते गेदे जतने की उजागर किया। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आसिया गणतंत्र दिवस उपर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिथे बोर्ड के सीईओ होरें राशि झंडा चाढ़िया ते कर्मचारियों ते होरने की संबोधित किया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आसिया अपने मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू च गणतंत्र दिवस का आयोजन कराया गया। बीजेपी प्रदेश प्रधान रविंदर रैना होरें तिरंगा झंडा चाढ़िया ते गणतंत्र दिवस के महत्व उपर अपने भाषण च लौ पाई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के गांधीनगर जम्मू स्थित दफ्तर च भी गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। पार्टी नेताएं इस मौके उपर तिरंगा झंडा फहराया ते कार्यकर्ताएं गी संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी आसिया गणतंत्र दिवस समारोह उपर आयोजन किया गया, जिथे पार्टी नेताएं राष्ट्रीय झंडा चाढ़िया ते पार्टी के कार्यकर्ताएं गी संबोधित करदे लै गणतंत्र दिवस के महत्व गी उजागर किया। इयां गै नैशनल कॉन्फ्रेंस आसिया भी गणतंत्र दिवस उपर अपने जम्मू दफ्तर च समारोह कराया गया, जिथे पार्टी के नेताएं राष्ट्रीय झंडा फहराया, पार्टी कार्यकर्ताएं ते होरने समारोह च शिरकत की। जम्मू प्रांता च गणतंत्र दिवस उपर थारें थारें तिरंगा झंडा चाढ़ने दे कार्यक्रम होए, जिंदा आयोजन बख बख गैर सरकारी संगठनें सियासी ते समाजी संगठनें आसिया कीता गया। इनें समारोहें च लोक उत्साह ते देशभगती दी भावना कन्नै शामिल होए ते लोकें च मिठाइयां बंडियां गईयां। दूरदर्शन केंद्र जम्मू च गणतंत्र दिवस उपर ध्वजारोहण समारोह हुआ, जित्थे केंद्राध्यक्ष रवि कुमार शर्मा होरें राष्ट्री झंडा चाढ़िया। केंद्र दे कर्मचारियें ते सुरक्षाकर्मियें समारोह च उत्साह कन्नै हिस्सा लैता। इस मौके उपर सभनें च मिठाई तकसीम कीती गई। इयां गै दूरदर्शन दे HPT बरनाई च भी गणतंत्र दिवस उपर समारोह दा आयोजन कीता गया। सहायक निदेशक अभियांत्रिकी KK कौल होरें इस मौके उपर तिरंगा झंडा चाढ़िया। कर्मचारियें ते होरनें समारोह च शिरकत कीती। सुरक्षा पर तैनात अर्धसैनिक बलें दे जवानें तिरंगे झंडे गी सलामी दित्ती। गणतंत्र दिवस दे सरबंधा च राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें अज संझा राजभवन जम्मू च एट होम दा आयोजन कीता। सिविल प्रशासन ते पुलिस दे वरिष्ठ अधिकारी ते मीडिया सने केई गणमान्य लोक एट होम च शामिल होए। राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें नरसिंह देव जम्वाल, फयाज अहमद जान ते सेरिंग नारबू होरें गी मुबारकबाद दित्ती है, जिनेंगी साहित्य कला ते मेडिसिन सर्जरी दे खेत्र च पद्मश्री पुरस्कार आस्तै तालिया गया। इस संदेश च राज्यपाल होरें उनेंगी भविक्ष च अपने अपने खेत्र च कामयाबी दी कामना कीती है। एह्दे शा पैह्ले राज्यपाल होर जम्मू च बलिदान स्तंभ गए ते सेना ते अर्धसैनिक बलें दे बहादुर जवानें गी श्रद्धांजलि भेंट कीती, जिनें राष्ट्र दे मान आस्तै अपनी जिंदू दा बलिदान दित्ता हा। पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए अज भी पुंछ जिले के मनकोट सैक्टर च नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों की निशाना बनाते हुए गोलीबारी की। उन्हें इलाके के नियंत्रण रेखा कन्ने लगते दबराज नाड़ मनकोट ते बनलोई ग्राएं पर मोर्टार गोले दागे। पाकिस्तानी सेना की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना पासिया मुंह तोड़ परता दिता गया।
यार बहुत है ना, बच्चे बच्चे बहुत डरते हैं, हम भी डरते हैं, अंदर से बाहर नहीं लिखते हैं, बहुत मुश्किल। सांबा च बीएसएफ के सतर्क जवान एक पाकिस्तानी घुसपैठिए की गोलीबारी जिदे कन्नो जख्मी होइए उत्थे गै डिगी पिया, मगरा उसी जिला अस्पताल सांबा पजाया गया ते फिर जीएमसी जम्मू रेफर कर दिता गया। जख्मी घुसपैठिए की पंछान तहसील शकरगढ़ पाकिस्तान के रोहने आले फारूक के तौर पर हुई है। Well, I am giving this update from District Hospital Samba that a person badly injured at international border, namely Farooq from Pakistan, he was brought by BSF Samba. He is badly injured and there is a polytrauma which has taken place as a result of cross-border firing while he was crossing the international border at Chak Fakira, Samba. श्रीनगर कोल पंपोर दे खुनमा खरेऊ इलाके च सुरक्षा बलें कन्नै अज्ज बडलै इक टाकरे च दो आतंकवादी मारे गए। टाकरे च रियासती पुलिस दे त्रै कर्मी घायल भी होए न। टाकरा उसलै आरंभ होया जिसलै इलाके च आतंकवादी दी मौजूदगी बारे सूह थ्होने मगरा सुरक्षा बलें घेरा पाइयै तलाशी अभियान शुरू कीता। सूत्रें दस्सेया जे मारे गेदे आतंकवादियों दा सरबंध जैश ए मोहम्मद कन्नै हा ते अज्ज कुसै वड्डी वारदात गी अंजाम देने दी योजना बना करदे हे। मौसम विभाग की सूचना मुजब जम्मू च अज्ज दिनें दा बद्धोबद्ध तापमान 17 डिग्री सैलसियस ते कल रातीं दा घट्टो घट्ट तापमान 3.7 डिग्री सैलसियस रिकॉर्ड कीता गया। ते हुण खीर च खास खास खबरां एक बारी परतियै। राष्ट्र अज्ज मना करदा 70वां गणतंत्र दिवस। नमीं दिल्ली च राजपथ उपर शानदार परेड दा आयोजन। भारत दी सैन्य शक्ति ते सांस्कृतिक विरासत दा कीता गया प्रदर्शन। जम्मू च राज्यपाल होरें फहराया तिरंगा। शानदार परेड दी लैती सलामी। रियासता दे नरसेव सिंह जम्वाल, फयाज जान ते सेरिंग नारबू होरें गी पद्मश्री पुरस्कार देने दी घोषणा। ते पंपोर कश्मीर च सुरक्षा बलें कन्नै टाकरे च इक मारे गए दो आतंकवादी, कुसै बड्डी वारदात दी बना रहे योजना। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, दो इजाजत, नमस्कार।